हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा स्टिच सिखाऊंगी जो वीव स्टिच है और ये मैटेड क्लॉथ पे होता है। आप चाहें तो इसको प्लेन क्लॉथ पे भी कर सकते हैं, पर उस पे बनाने के लिए आपको पहले ग्राफ पेपर पे इसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो मैटेड क्लॉथ पे बनाना बहुत आसान है और वैसे भी मैटेड क्लॉथ के ऊपर ही इसकी ज़्यादा ब्यूटी जो है नज़र आती है। और आप इससे अपने कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ्स, डाइनिंग टेबल रनर्स, बेड शीट्स, कुछ भी जो आप मैटेड क्लॉथ पे बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। इवन आप इसको काट काट के पीसीस को अपने सूट्स को एम्बेलिश भी कर सकते हैं। तो मैं ये जैसे आप ऐसे एक रनर बनाएंगे और इसको आप अपने स्लीव्स पे, नेकलाइन पे और शर्ट के घेरे पे लगा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो मेन है वो हमें ये एंकर के थ्रेड्स चाहिए। ये 6 स्ट्रैंड थ्रेड्स हैं और मैं 6 की 6 स्ट्रैंड्स इस एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करूँगी। और बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं इन कलर्स के साथ वर्क करना। आप कोई भी 2 कलर्स 3 कलर्स या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में चाहिए टेपेस्ट्री नीडल, जो कि जिसकी आई थोड़ी बिग होती है और स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ब्लंट होता है। तो सबसे पहले हम पीछे गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद वो यहाँ पे पहले एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इस गांठ के बीच में से 3 स्टैंड्स के सेंटर में से ऐसे हम नीडल पास कर लेंगे। तो ये यहाँ पे ही टिकी रहेगी। अब हम यहाँ पे सुई को निकालेंगे। हमने इस मोटिफ के लिए 6 स्टिचेस लिए हैं। आप चाहें तो इसको बड़ा भी स्क्वायर बना सकते हैं या इससे छोटा भी, लेकिन इतना मिनिमम होना ही चाहिए। तो मैंने 6 लिए हैं, तो 6 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम सबसे पहले एक क्रॉस लगाएंगे। इसको हमें देखना है कि हमारा अगर स्टिच यहाँ पे ये दबा हुआ है तो हमने इसको उठा लेना है। उठा के हमने इसको यहाँ पे टकिंग कर देनी है। सारे स्टिचेज जो हैं वो सेंटर में, एक स्टिच ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे होना चाहिए। तो इसको बनाने के कई स्टाइल हैं। आप चाहें तो पहले इस तरफ यू सारे ऐसे स्टिचेस ले सकते हैं, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ। चाहे तो आप साइमल्टेनियसली भी इसको वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको साइमल्टेनियसली वर्क करना सिखा रही हूँ। तो मैंने इस स्टिच को यहाँ पे बंद किया, अब इसको यहाँ से निकालूंगी। मेन बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जो स्टिच आपका दबा हुआ उसको आपने उठा लेना है और वो दबे हुए को आपने उठाना है और उठे जो उठा हुआ है उसको आपने नीचे कर देना है। अब इसको यहाँ पे मैं टकिंग करते। तो आप देख रहे हैं ये कैसे स्क्वायर बन रहा है, जो इसमें से एक स्टिच ऊपर है, एक नीचे है, एक बारी ऊपर है, एक बारी नीचे है। ठीक, अब इस तरफ से हम यहां जाएंगे, टकिंग तो हमें पता है कि यहां होनी है। हर स्टिच के अंदर, हर जो पॉइंट है हमारा, हर पॉइंट में टकिंग होनी है। ये सेंटर स्टिच को छोड़ के 5 स्टिचेज इस तरफ आएंगे, 5 इस तरफ आएंगे, टोटल 11 स्टिचेज हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 स्टिचेज का ये मोटिफ है। तो अब हम इस तरफ से इसको वर्क करना है, स्ट्रेट स्टिच, यहाँ पे टकिंग होनी है। लेकिन हमने पहले सबसे पहले देखना है कि हमारा जो स्टिच ये उठा हुआ है इसको रहने देना है, ये दबा हुआ है इसको उठा लेना है और सामने यहां पे स्टकिंग कर देनी। अब हम यहां से नीडल निकालेंगे और इसने यहां टक होना है, लेकिन हम वीव करके टक करेंगे। ये स्टिच हमारा दबा है और ये उठा हुआ है और आगे वाला फिर से दबा है। तो हम इस तरीके से इसको पहले वीव कर लेंगे और फिर हम इसको यहां पे टकिंग कर। तो आप देख रहे हैं 3 स्टिचेज इस तरफ, 3 स्टिचेज इस तरफ हो गए हैं। अब
अब हमने सामने टकिंग करनी है, फिर हम वही फॉलो करेंगे मेथड कि जो दबा हुआ स्टिच है उसको उठा लेंगे और यहाँ पे टकिंग कर देंगे। अब इस तरफ से भी हम यही देखेंगे कि जो स्टिच दबे हुए हैं उनको हम उठा लेंगे, ऐसे वीव हो जाएगा जब, फिर हम उसको टकिंग कर देंगे। अब हम यहां से भी ऐसे ही करेंगे। और हर स्टिच में हर पॉइंट पे टकिंग होती है। अब जब हमने इस तरफ जाना है तो हमने वीव करते हुए जाना है। हमारा ये स्टिच दबा हुआ है, ये दबा है, ये दबा है। हमने पहले वीव कर लेना है और फिर हमने इसको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। अब यहां से निकाल लेंगे सुई और फिर हम इधर से जाने से पहले पूरा वीव करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे। वीव करने के बाद हम इसको यहां टकिंग कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। जब इधर जाना है फिर हमने देखना है और यहां टकिंग। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टिच आपका नीचे है उसको आपने उठा लेना है और फिर उसको बाद में टकिंग करनी। यहाँ पे टू पॉइंट्स पे हमें इसको उठाना है। और फिर इसको इस पॉइंट पे टक कर दे। आपको मैंने बताया है कि जब तक आपके 11 स्टिचेस नहीं हो जाएंगे तब तक आपने इसको वीव करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जब आप हर छेद में साइड के छेद से निकलेंगे तो आपको लगेगा पता कि यहां से आपने इसको वीव करना है। अब इसमें एक पॉइंट रह गया, यहाँ पे हमारे अभी टू पॉइंट्स पड़े हैं, एक ये और ये लास्ट का, इसको हमने उठाना है ऐसे। तो इस तरीके से ये चेक बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आप इंश्योर हो जाएं कि आपके 11 स्टिचेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरीके से इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम ये ब्लू कलर ऐड करेंगे
तो हम फिर से यहाँ से सिक्स टेंस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हम क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद हम इसके दोनों तरफ एक एक लाइन लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आप एक स्टिच दबा हुआ है और एक उठा है। हम इधर से जब सामने टकिंग करनी है तो सबसे पहले हमने वीव करना है, हमारा एक स्टिच सेंटर वाला दबा है, यहाँ टकिंग करनी है। इसकी दूसरी साइड भी हम टकिंग करने से पहले वीव करेंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको उठाएंगे और फिर यहाँ पे टकिंग होगी। ठीक, हम इसी तरीके से वीव करते जाएंगे। आप इस मोटिव को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये वीव होगा। अब मैं आपको प्लेन कपड़े पे भी सिखाऊंगी किसको कैसे आपने वीव करना है। प्लेन क्लॉथ पे बनाने के लिए हमें पहले ग्राफ पेपर की मदद से ये डिज़ाइन जो है वो बना के इस पर प्लेन क्लॉथ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जैसे ये ग्राफ पेपर है तो इस पर ब्लॉक्स ऑलरेडी बने होते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने बड़े स्क्वेयर में जो है वो मोटिव बनाना है। तो मैंने इसको इतने बड़े स्क्वेयर में मोटिव बनाना है, तो मैंने बड़े निशान जो हैं वो इसके एक स्क्वेयर के चारों तरफ लगा लिए और फिर उतना ही बड़ा स्क्वेयर एक और, उतना ही बड़ा एक और, ऐसे मैंने चार स्क्वेयर्स ले लिए। अब इन चारों स्क्वेयर्स पे मैंने ये जो बारीक इसके डॉट्स हैं ये लाइन्स हैं इन पर निशान लगा लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस लाइन पर भी मैंने यहाँ निशान लगाया, इस पर भी लगाया है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ऐसे सारे निशान लगा लिए। फिर इनके बीच में एक एक और निशान लगाया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 निशान बीच में है और बाकी दो साइड्स में है। तो इस तरीके से मैंने ये निशान जो हैं वो लगा लिए और फिर इसको कार्बन शीट की मदद से एक प्लेन पेपर के ऊपर, प्लेन क्लॉथ के ऊपर ऐसे उतार लिया। तो उसके बाद हम सबसे पहले जैसे हमने मैटेड क्लॉथ पे शुरू किया था उसी तरीके से हम इस पे भी शुरू करेंगे। सिक्स स्टैंड से ही वर्क करेंगे, सिर्फ हमने नीडल जो है वो लॉन्ग आई और शार्प नीडल ले ली है। अब हमने ब्लंट एज नहीं लिया है क्योंकि हम क्लॉथ पे वर्क कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे क्रॉस, ये हमारा क्रॉस बन गया। अब जिस तरीके से हमें पहले शेड नज़र आ रहे थे उसी तरीके से हमें अब भी नज़र आ रहे हैं। अब भी हम इसको टकिंग करने से पहले वीव करेंगे। जैसे हमने यहाँ टकिंग करनी है, हमें ये इंश्योर होना है कि ये नीचे है, इसको उठा लें और फिर हम इसको यहाँ टकिंग कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम इधर से भी सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट्स का ध्यान रखें आपने जंबलिंग नहीं करनी है। अब इस पॉइंट से हमने इधर यहाँ पे टकिंग करनी है, लेकिन पहले हमने जो है वो इसको उठा लेना है और इधर भी इसके सेकेंड पॉइंट पे। ठीक, आप चाहें तो एक तरफ के पहले सारे लाइनें लगा सकते हैं फिर दूसरी तरफ की लगा सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कितनी कितनी लाइंस जो लगानी है। जैसे हमने इस सेंटर लाइन से 5 इस तरफ लगानी है और लास्ट वाले को हमने ऐसे उठा लेना है और यहाँ टकिंग कर देनी। अब देखिए आप इस तरफ हमारे 1, 2, 3, 4, 5, अब इधर भी 5 लगेंगे। एक उसमें भी हमने सेम वही मेथड फॉलो करना है कि अगर ये जो लाइन है ये अगर उठी है तो हमने इसको दबा देना है और अगर दबी है तो इसको उठा देना है ऐसे।
अब जब ये हमारा पूरा एक तरफ दोनों तरफ वीव हो जाएगा तो हमने ये हाफ और ये हाफ वीव करना है। इधर भी 5 स्टिचेस लगने हैं, इधर भी 5, लेकिन स्टिचेस जो है वो हमने वीव करके लेने हैं। ये देखिए, ऐसे 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 ऐसे, और एंड में हमने सेम लास्ट सेकंड पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट से हम सुई को निकालेंगे यहाँ से। अब पॉइंट ध्यान से देखें, हम पॉइंट से ही सुई निकाल लें जो हमने निशान लगाए। और जब इस तरफ वीव करना है फिर हमने वही मेथड फॉलो करना है कि वीविंग करनी है, और उसके बाद इसको हमने ये देखिए लास्ट वाली पॉइंट पे हमने इसको टकिंग कर देनी। और फिर हमने इस पॉइंट से उठाना है, बस आपने वीव करते रहना है और टकिंग करते रहना है। वीविंग अगर ठीक होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लास्ट, ये लास्ट वाला जो है हमको इसको दबा देंगे। अब इस तरफ आएंगे, सेम यही मेथड फॉलो करते हुए ये हाफ भी हम इसी तरह से वीव कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये भी कैसे ब्यूटीफुली वीव हो गया है। तो अगर आपको ये स्टिच लेने आ गया है तो आप कहीं पे भी ये मोटिव को ड्रॉ करके, जैसे अपने शर्ट के पैनल पे या घेरे पे, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। और अगर आपने टेबल क्लॉथ वगैरह बनाना है तो आप ऐसे रनर्स बना सकते हैं, आप चारों तरफ बॉर्डरिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टिच अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।